सीधे बाटा बाट जाओ बोला रोड मिला ले आ रहा गाड़ी जा घर में ना ले जी चलो दीदी की ला गई भाभी बोलना था दीदी थी वो भाभी थी वो दीदी थी वो भाभी थी वो दीदी थी भाभी थी दीदी थी हेलो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अब आ गए हम मंदिर से। तो मंदिर से आते टाइम ये पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। अभी हम पहुँचे हैं, एक गांव था नरगवाड़ी, तो पानी पीने के लिए रुके हुए थे। यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को, हम सभी लोगों का प्यार भरा नमस्कार, और नमस्कार इस खूबसूरत से गांव से। तो 8:30 होने वाले हैं और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ को। चलो वड़देहनिया बीच पट्टम हड़ी रहा है कि मालवार से बाट है क्या ना करो। ये देखिए, वाह काफी अच्छी जगह लगी मुझे तो। यहाँ टैंकी काफी बड़ी है, काश होता है अभी पानी तो थोड़ा नहा लेते। लगाई ना रख पानी तो पानी का नौला। ये हैं कुछ सीढ़ियां। पहुंचे हैं रोड में। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पैदल जाएं या गाड़ी से जाएं, क्योंकि कल शाम से जो थकान लगी है ना, पांव बिल्कुल आगे जाने को राजी नहीं है। हम बा बुकटाक छू बुकटाक दे आया तो तलबाट आप दें। मैं ये बाटी जानू कभी गाड़ी आर मिल सी जब टाइम 8:30 ब्याल कटिया बड़े तो मिली जाए हैं इलाके वाले 8 बजे हो कौन जब पैसेंजर सब जाइए जाइए कलाई एक नंबर नहीं भी हो गया ड्राइवर रख
एक नंबर ना ना कई साइन अच्छा हिटनु पामा हिटनु पैदल पैदल ओय ओय। तो गाड़ी के लिए पूछा था, एक अंकल जी मिले थे, फोन भी किया उन्होंने, तो गाड़ी निकल गई थी। अब पैदल ही चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा ऊपर पहुंचो, वहां से क्या पता मिल जाए। रास्ते का अभी कोई पता नहीं चल रहा है रोड कटिंग की वजह से, तो रोटी रोड चल रहे हैं अभी तो फिलहाल। धूप भी आ ही गई है अब। अभी पहुंचे हुए थे एक यहाँ पे दुकान है छोटी सी, तो यहाँ पे एक भैया हैं, उनसे कहा है हमने कि किसी गाड़ी वाले का नंबर है तो फोन कर दीजिए। आ जाओ ले। हेलो हाँ दाद, गाँव लाट जन छो छ आदिम छो, आ जाओ। कतु हुई हम टिकट 150 रुपए गराल में ही उन्हों पर हम फोन नंबर ले लियो उन पर अलग, वहीं बड़े फोन करो तुम गराल में ही आ रखो तब तक। हाँ वही रुक जाओ पक्के जन छो मिल ले। ठीक से याद आदि धन्यवाद। सीधे बाटा बाट जाओ बोला रोड मिला ले यार अलगड़ो जा घर में ना ले जी। चलो ठीक तो वहां पे मिले थे एक अपने भाई, उन्होंने एक गाड़ी को फोन तो किया है, वो कह रहा है कि ऊपर आ जाना आप लोग, वहीं मिलूंगा मैं। तो अब वहीं के लिए जा रहे हैं गराली, जो गांव है उस गांव में मिलेगा। अब पहुंचे हैं पक्के रास्ते पे, वो ऊपर है रोड। गाड़ी वाले को फोन तो किया था, कह बोल रहा था कि ऊपर पहुंचो तुम रोड में, तो मैं भी वहीं से तुम्हें पिकअप करूंगा। थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो फाइनली पहुंच गए हैं अब रोड में। अब वेट करते हैं यहीं पे, यहाँ पे वेट करें या चलते जाएं? तो अभी और है थोड़ा ऊपर, तो ये वाली रोड भी नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर चलना है। हालत खराब हो गई है मेरी तो। हाँ 9 बजने वाले हैं। कितने बजे आए थे हम वहाँ से? 7:30। तो 1.5 घंटे में 7:30 बजे निकले थे, अब 1.5 घंटा होने वाला है हमें चलते चलते। हाँ वो वहाँ पे जो घर दिख रहा है ठीक उसी के नीचे है चंडिका घाट, तो जो ये रास्ता दिख रहा है इसी रास्ते से आए थे हम, वो वहाँ पे निकले। अब और थोड़ा आगे जाना है, अब पहुँचे हैं गराई का जो गांव है। इन दाई का कुछ अलग टसन है, देख सकते हैं।
चलेगी चसन है दाई का। ये देखो अलग ही चसन मैंने बोल दिया था। तो मेरे साल जिंदगी ये क्या टसन भाई का ये ज्ञान लौकी देखो। वाओ इतनी बड़ी लौकी है, मैं दिखाता हूँ नीचे जाके। बेको बुल्ले बह रहे आप वाले कुत्ता बैठा है नीचे जाना। फिर भी ये देखो ये करीब 3 फीट की लौकी है। वहां पे बैठे हैं लाट साहब। वो ये है पाखली दीदी की ला गई। भाभी बोलना था दीदी थी वो भाभी थी वो दीदी थी वो भाभी थी वो दीदी थी भाभी थी दीदी थी चलो। तो दीदी भाभी का जो किस्सा था वो बताता हूँ अब मैं आपको। क्या हुआ था कल कहाँ पहुँचे थे रे तब? बहलकोट। तो बहलकोट पहुँचने वाले थे, वहाँ पे ही कोई एक मतलब औरत थी। तो अस्सु भाई कहते हैं दीदी। तो ये थी बात दीदी भाभी वाली। क्या बोला क्या होता तो मैं आंटी बोलता। शहरीकरण होता तो आंटी बोला जाता। शहरीकरण। अच्छा ग्रामिया है। ग्रामिया में दीदी राम प्यारी को आराम दो सब। वो तो फाइनली पहुंच गए हैं अब रोड में। थोड़ा सा रेस्ट चल रहा है, गाड़ी आ रही है और वो आगे से बुलबुले भी आ रहे हैं। ये देखो बड़े बड़े। तो अब चलना होगा नहीं हमारा, अब तो गाड़ी में ही जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं हम। ये देखो एक और आ रहा है। ये देखो तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। अभी टाइम है, अभी करते हैं। मेरे बाप का तो है ही, मेरे बाप का तो है ही होटल। आने को दियो रे बंपो को जाए। चाचा चौधरी लालू का नून लगा दे रेडी पर जल्दी रावण। ये आ गई है हमारी गाड़ी मले फ्रंट में। भैया मैं वीडियो बनाऊं छे तो इधर भी बैठा है निकोड़ी मत रोड़ी को। अब मैं पूछता हूँ अजय भाई से कैसा लग रहा है अब गाड़ी में बैठ के? काफी आनंद आ रहा है और सुकून मिल रहा है। काफी आराम मिल रहा है और और डिंपल डिंपल तो खैर पैदल जाने को तैयार था नहाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं। लच्छी भाई हमारे लच्छी भाई इनका तो टसन ही कुछ अलग है, देख सकते हो तुम। लक्ष्मण भाई पानी पानी पियो रे पानी पीने। तो अब एंड करते हैं दोस्तों यहीं पे अपना जो ब्लॉग है। अब आप देखेंगे कि जो रोड है यहाँ का थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं एंडिंग में, मैं तो नहीं दिखूंगा अब। तो मैं चाहता तो हूँ दिखना, थैंक यू दिख नहीं पाऊंगा। थैंक यू तो नहीं, क्या बोलूं यार अब धन्यवाद। तो बताओ यार मुझे समझ में ना क्या बोलूं यार असुदाई क्या बोलूं अब मैं। चलो आपको सड़क की सवारी करते हैं थोड़ी। हाँ चलो अब तो सड़क की तो सवारी हो ही रही है। तो अब आपको छोड़े जाते हैं, अब आपको छोड़े जाते हैं इन खूबसूरत शिवाजी के साथ। तो मिलते हैं अब तक के लिए। जय हिंद जय भारत। बाय कर दो सबको, सबको बाय कर दो। ओके टाटा बाय बाय लव यू। मिलते हैं दोस्तों। टाइम हो रहा है कितना, इतना 9:53।
दूर।